रावण ब्राह्मण था, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। कहते हैं कि प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, कई कलाओं में निपुण था, वीड़ा बहुत अच्छी बजाता था, शिव जी का भक्त था, और कहते हैं कि उसकी सोने की लंका थी और भोले बाबा की, शनि को सब मालूम, इसकी भी एक कहानी है। तो कहते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े महान से महान जो हस्तियाँ थी वो रावण के यहाँ उसकी चौखट पर हाजिरी देती थी। रावण इतना विद्वान था, इतना धनी था, इतना ऐश्वर्यवान था, लेकिन रावण को एक कमी थी। रावण को इन सब चीज़ों का अहंकार था, घमंड था। तो भगवान ने सोचा कि अब इसका घमंड दूर किया जाए। खैर, रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे, और पिछले जन्म में ये जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई के रूप में थे। उससे पहले ये जय विजय के नाम से थे, और रावण ही और कुंभकर्ण ही फिर त्रेता युग, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय कंस और शिशुपाल बने। इतने जन्मों के बाद उनको जो है, और हर बार उन्हें भगवान के हाथों ही मुक्ति मिली। कुंभकर्ण और रावण का भी वध किसने किया था? भगवान श्री राम ने, ठीक है। और कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस और शिशुपाल का। तो आज ये कहानी ये है कि जब ये रावण हिरण्यकश्यप के रूप में था, तो हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से बड़ी ही चिढ़ थी, बड़ी ही नफरत थी। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बहुत तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की। इतने वर्षों तक तपस्या की कि उसका शरीर और मिट्टी का ढेर बराबर लगने लगा। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भाई उठो, बहुत मेहनत की तुमने, अब चलो कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो भाई असंभव है, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही पड़ेगा, मेरी भी एक आयु निश्चित है, तो मैं तुम्हें ये वरदान कैसे दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो। तो कहा कि ठीक, आप अगर ये वरदान नहीं देंगे अमर होने का, तो हमें एक वरदान दो कि क्या, कि ना हम दिन में मरें और ना रात में मरें, ना ज़मीन में मरें और ना आकाश में, ना सुबह मरें ना शाम को, ना इंसान हमें मार पाए, ना रात कोई पशु। तो और कहा कि 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरें, ना घर के अंदर मरें ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अहम वस्तु, घुमा के नाक चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे नाक ऐसे पकड़ो, अमर होने का तो वरदान नहीं दे सकते थे, लेकिन उसने शर्तें इतनी रख दी कि उसे मालूम था कि अब हम मरेंगे नहीं। और घर आया और सबसे पहले उसने देखा कि जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती थी, विष्णु भगवान की पूजा होती थी, वो सब बंद करा दी। कहा कि हमारी पूजा करो या न करो, विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसी समय जब वो तपस्या करने गया था तो उनकी एक पत्नी थी कयाधु, और कयाधु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था ध्रुव, और उनकी शिक्षा दीक्षा नारद जी के उसमें हुई थी, देख रेख में। तो ध्रुव जो थे वो धार्मिक स्वभाव थे, वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने ध्रुव को स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए, और जो उनके टीचर थे उनसे कहा कि इसकी विशेष निगरानी रखना, और इसको जो है कतई भगवान की, विष्णु भगवान विष्णु की पूजा मत करने देना, और इसको ऐसी शिक्षा देना कि इसको भी हमारी तरह विष्णु से नफरत हो जाए। लेकिन चूँकि जो ध्रुव थे, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो जहाँ माँ रहती थी वहाँ पूजा पाठ ये सब होता था, तो वही उनकी भी संस्कार थे, वही शिक्षा थी। तो ध्रुव जो है अकेले में, जब गुरुजी नहीं होते थे, सब बच्चों को ले जाते थे एक तरफ, और हरमन नारायण नारायण और नारायण नारायण यही करते थे। तो गुरुजी जब ये देखते तो उसकी गुरुजी जब देखते थे उसकी पिटाई कर देते थे। किसकी? ध्रुव की, सॉरी प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद की पिटाई कर देते थे। कोई बात नहीं, फिर जब उनको समय मिलता देखा तो फिर वो नारायण नारायण की जो है अपनी भगवान का भजन करते थे। तो इन्होंने जो है क्या किया, एक बार जो है हिरण्यकश्यप देखने गए कि हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, मास्टर साहब ठीक ठाक पढ़ा भी रहे कि नहीं पढ़ा रहे, और क्या उसको उसने सीखा इतने दिनों में। तो वहाँ देखा जाके तो वो जो है नारायण नारायण, तो हिरण्यकश्यप ने उसको जो है प्रहलाद को बहुत ज़ोर से तमाचा मार दिया, कहा कान पकड़ा कि चल मेरे साथ, यहाँ गुरुकुल में रह के तू बिगड़ गया, मेरे ही दुश्मन का नाम लेता है, और ला के यहाँ पे उसको जो है काल कोठरी में बंद कर दिया। तो उस काल कोठरी भूखा तो कोई जो है उसको जो है चुपचाप खाना खिला जाता था। तो उसने देखा करे तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सांपों के बीच में इसको छुड़वा दो, प्रहलाद को, जहरीले काले काले नांगों के बीच में,
तो काले नांग जहरीले नांग उन्होंने भी उसका कुछ नहीं उससे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि सर्प जो है नांग वो तो शिव जी के गले में रहते हैं और शिव जी जो है भगवान के भक्त है, तो वो सर्प उसको भगवान के भक्त को कैसे काटें। तो फिर हाथी से कुचलवाया गया, तो हाथी जो है इंद्र का ऐरावत हाथी इंद्र की सवारी थी, तो हाथी कैसे कुचले, हाथी ने भी नहीं कुचला। तो तरह तरह से सजाएं दी गई। एक बार तो प्रहलाद को जो है पहाड़ी से फेंका गया, बहुत ऊंची पहाड़ी से, और नीचे गिरा तो वहाँ फूलों की घाटी बन गई, फूल बिछ गए, गर्म कढ़ाई में डाला गया, गर्म कढ़ाया तेल खौलता हुआ उसमें डाला गया, उसमें जैसे ही डाला तो उसमें फूल बन गए। तो फिर फरड़ा कश्यप जब हर तरह से हार गया तो उस एक उसकी रिश्ते में बहन लगती थी, जो उसको वरदान था कि वो आग में जलती नहीं थी, तो कहा कि अब तुम ऐसा करो चादर, हाँ वही चादर थी जैसे आज भी ऐसी होती हैं जो फायर प्रूफ ड्रेसें होती हैं, आग नहीं लगेगी उसमें, उसके पास कही इसको लेके बैठ जाओ आग में और आग जला दो, क्योंकि अगर ऐसे बैठा लेंगे भाग जाएगा, तो पकड़ के ज़बरदस्ती उसको वो बैठ गई आग में। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो जो है चादर जो थी वो प्रहलाद के ऊपर उड़ के पहुँच गई, अब वो बिना चादर के रह गई, आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से फिर होली मनाई जाती। तो हिरणा कश्यप बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि ये जो है विष्णु इसको जो है बहुत बचा रहा है, अब हम इसको जो मारेंगे अपने हाथों से, अपने ही पुत्र को मारने चला। तो एक खम्बा जो है गर्म किया गया लाल, इसी में बांध के मारेंगे इसको। तो जो है जब खम्बा गर्म किया जा रहा था तो हिरणा कश्यप ने कहा प्रहलाद से कि अब मैं तुझे इसी में बांधूंगा, क्या तेरा भगवान इसमें तुझे बचाएगा, बताओ कहाँ है तेरा भगवान। उन्होंने कहा भगवान तो हमारा भगवान तो हर जगह है, इस खम्बे में भी है, यहाँ खम्बे में भी है। कैसे कि एक चींटी थी उस खम्बे पर चल रही थी और वो मर भी नहीं रही, खम्बा लाल। तो प्रहलाद ने सोचा कि जब चींटी को भगवान बचा सकते हम तो भगवान हमें भी बचाएगी, और भगवान में उनकी भक्ति थी। तो हिरणा कश्यप ने पूछा कि क्या इस खम्बे में भी तेरे भगवान, कि हाँ इस खम्बे में भी। तो हिरणा कश्यप ने तलवार उठाई और खम्बे को जो है दो टुकड़े करने चाहे, मारी खम्बे में तलवार। तो पहले की तलवारें भी बहुत मजबूत होती थी, पेड़ वृक्ष को तो जो है मोटे से वृक्ष को एक बार हम काट दें ऐसी तलवार, और ताकतवर लोग होते थे। तो खम्बे में मारी तलवार, खम्बा जो है दो टुकड़े, और खम्बा जैसे ही टूटा वैसे ही उसमें से नरसिंह भगवान निकल आए। उन्होंने कहा कि ना, अब समय कौन सा था, बिल्कुल शाम का, कि ना दिन ना रात, देहरी पर वो खम्बा था, वो देहरी के पास लेके आए उसको जो है, ना घर के अंदर ना घर के, इसीलिए कहा जाता देहरी पर बैठना अशुभ माना जाता कि घर की देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। अब तो घर में देहरी होती नहीं है, पहले देहरी बनती थी। दूसरा, देहरी के किनारे सांप भी आ जाता कभी कभी घर में घुसने के लिए, तो कहा जाता देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। तो कहा ना दिन ना रात, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ठीक है, और ना इंसान मार रहा है ना पशु, क्योंकि नरसिंह भगवान का अवतार कैसा था कि मुंह सिरिंग का था, शरीर इंसान का, और कि 12 महीने भी नहीं, वो एक एक्स्ट्रा माह था। अभी हमने जो बताया था तुमको कि एक माह बढ़ जाता है, तो वही एक ये माह था, एक्स्ट्रा माह, 12 माह नहीं था, ये जो है लौन का माह था, हिंदी माह में बढ़ जाता है एक माह। तो उस माह में जो है हिरणा कश्यप ने, और उन्होंने कहा था ना किसी अस्त्र से मरें ना किसी शस्त्र से मरें। तो हिरणा कश्यप जो नरसिंह भगवान थे उन्होंने अपने गोद में लिटा के नाखून से उसको फाड़ दिया, बहुत गुस्से में थे। उसके बाद फिर उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि अब तुम जो है निश्चिंत होकर अपने जो है, तो प्रहलाद ने कहा भी कि मेरे पिताजी को आपके हाथों मृत्यु हुई, मतलब उन्हें मुक्ति, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिता को मुक्ति मिलेगी और तुम अब राज्य करोगे। तो प्रहलाद ने फिर बहुत दिनों तक राज्य किया, ठीक है। तो ये थी भक्त प्रहलाद की कहानी। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी से हमको दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा तो ये कि हमें अच्छी चीज़ों का अनुश्रवण करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अगर उसने भगवान की भक्ति ना की होती, गुरुकुल में अगर भगवान का भजन ना किया होता, तो क्या वो हिरणा कश्यप के कोप से बचता, नहीं बचता। तो हमको हमेशा अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए, अगर हम अच्छी बातें सीखेंगे तो वो हमें मुसीबत में ज़रूर बचाएंगी।